पुत्रों को विभिन्न क्षेत्रों में भेजना। समय बीतता गया। महाराज चित्रगुप्त ने अपने पुत्रों को पृथ्वी पर भारत वर्ष में अलग अलग क्षेत्रों में धर्म स्थापना का कार्य सौंपा। राजकुमार भानु को श्रीवास नगर अर्थात श्रीनगर के इलाके में राज्य स्थापित करने के लिए भेजा। राजकुमार विभानु को महाराज चित्रगुप्त ने मगध देश राज्य स्थापित करने के लिए भेजा। विभानु ने अपने दूसरे नाम सूर्य ध्वज के अनुसार ही अपने ध्वज पर सूर्य का चिन्ह बनाया। राजकुमार विश्वभानु को महाराज चित्रगुप्त ने सूर्यपार क्षेत्र में राज्य स्थापित करने के लिए निर्देश दिए। राजकुमार वीर भानु को आदिस्थान कालपक ग्राम में राज्य स्थापित करने कहा। राजकुमार चारु को महाराज चित्रगुप्त ने मथुरा क्षेत्र में राज्य स्थापित करने भेजा। राजकुमार चित्रचारु को कर्नाटक भेजा गया। राजकुमार मतिभान को महाराज चित्रगुप्त ने शक क्षेत्र में राज्य स्थापित करने भेजा। राजकुमार सुचारु को गौड़ क्षेत्र में राज्य स्थापित करने भेजा गया। राजकुमार चारु को महाराज चित्रगुप्त ने नेपाल में राज्य स्थापित करने के लिए भेजा। राजकुमार हिमवान को विठूर देश का कार्य सौंपा गया। राजकुमार चित्र को भट्ट देश भेजा गया। राजकुमार अतीन्द्रिय ने महाराज चित्रगुप्त के आदेशानुसार चित्रकूट में राज्य स्थापित किया। प्रत्येक पुत्र ने अपने अपने क्षेत्र में जाकर ख्याति प्राप्त की। वे जिस क्षेत्र में थे उस क्षेत्र के नाम के आधार पर ही उनके वंशजों को पहचान मिली।